दोस्तों, मैं आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अक्षत, रोली, चंदन और निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ राम मंदिर। इसे देखकर गाइस बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी चला जाऊँ राम मंदिर। राम मंदिर ट्रस्ट को कोटि कोटि नमन और आभार। और साथियों, जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट यहीं से। और आज हमने इसी खुशी में बनाया है अपनी यूपी का निमोना, बहुत ही बढ़िया बनाया। आज फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने बनाया, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना गाइस कि मज़ा ही आ गया। तो ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले प्रभु का नाम फिर दूसरा काम। तो आप सभी को पता ही है यार, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हम कई सौ सालों के बाद हमारे प्रभु राम विराजने वाले हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। और देखो, ऐसा है, लोग कहते हैं कि जब राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो राम जी आ रहे हैं। तो आप लोग भी तैयारी कर लीजिए, बहुत सारे दिए जलाइएगा, इतने इतने कि दिवाली के दिए कम पड़ जाए। और इतना खुशी, इतना एक्साइटमेंट, और ऐसे सनातनी मुझे बहुत 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 खुशी है। मैं अपने पति देव से बोलती हूँ, यार अयोध्या कब ले जाओगे, जल्दी बताओ। जल्दी ले जाएंगे, जल्दी ले जाएंगे। यस, तो हम साथ में बने रहिएगा, ब्लॉग एंजॉय करते रहिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, इतना एक्साइटमेंट कि फिर से दिवाली आने वाली है। तो फटाफट ये साफ कर लो, वो साफ कर लो, वो साफ। मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि दिवाली आ रही है, सब करो। फिर हम ढेर सारे दिए जलाएंगे, इतनी रोशनी करेंगे, क्योंकि हमारे राम लला आ रहे हैं। चलिए, इनविटेशन मिला था हम लोगों को, इतना अच्छा लगा कि सच में देखिए, इसमें प्रॉपर अक्षत है इनविटेशन, और इसमें बोला गया है कि आप दिए जलाएंगे, और नहीं भी बोलेंगे तो हम सनातन धर्म के हैं, थे, रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, तो बिना हमको किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा, लेकिन प्रभु राम हमारे और हम अपने दिल से दिए जलाएंगे। तो साथ में बने रहिएगा, ब्लॉग एंजॉय करते रहिएगा। तो चलिए, तो चलते हैं, होम मेकर की ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। सो जाके अभी यार मैं सुबह सुबह गई थी, आज ये क्या लंच में नहीं आए थे, तो इनको मैं देख के आई थी, मतलब ऐसे नहीं आए थे, देख के आई थी लंच। फिर तो उसके बाद मैंने सोचा टाइम है तो अपने महीने का सामान ले लिया जाए। तो चलो दोस्तों, जाती हूँ अपना बोझ उठा के, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और साथ में बने रहना यार, ब्लॉग छोड़ के मत भाग जाना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप तैयार कर रहे हो हमको। ये गाइस जब बनाते हैं निमोना, बहुत ही ये तो मटर लग रही है, मटर छीले जा रहे हैं। तो ये ना सारे यूपी वाले, इंक्लूडिंग हमारे पति जी को भी बहुत पसंद है यूपी स्टाइल मटर का निमोना। भाई ठंडियों में अगर यूपी वालों के घर में अगर एक दिन निमोना ना बना तो क्या बना, ठंडिया निकल गई, पता ही नहीं चला, ऐसा तो लगेगा। हाँ ये बात तो सही है। तो हम लोगों के दिन एक दिन मटर बनता है, जिसके लिए ये बस बनाने जा रही है। तो अभी मटर छीली जा रही है, तो मटर के निमोने में क्या थोड़ी मटर ज्यादा लगती थी, इसलिए थोड़ी। तो निमोना का गाइज जो मेन ब्लॉग है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना लिंक दे देंगे, अगर आपको हमारी रेसिपी देखनी हो। तो चलिए फटाफट बन रहा है, जब तक निमोना तब तक हम करेंगे पूजा, और पूजा के बाद आ जाएंगे डिनर पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में डिनर से। तो क्या है निमोना की रेसिपी, एकदम दिख तो एकदम यम्मी यम्मी सी हो रही है, हो गई है तैयार। तो जैसे पेट में चूहे कूदने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि फटाफट आ जाए, क्योंकि महक जो है गाइस ना, एकदम जो फ्रेश निमोना जो बनता है ना गांव में, तो मुझे वैसा एकदम बिल्कुल पहली बार इन्होंने बनाया, कम से कम 8-9 साल बाद। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब फटाफट कार्विंग टाइप की नहीं उठती, इसकी स्मेल जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मज़ा ही आ गया। और खाने के बाद तो जो मज़ा आया उसका तो कोई वही नहीं गाइस, जैसे मन होता है ना। ये देखिए क्या लग रही है भाई, गजब की गजब का निमोना इन्होंने सही में बनाया था इतने सालों बाद। जैसे मैं अपने बचपन में याद आ गया कि मेरी दादी बनाती थी ना, उस तरह का टेस्ट आ रहा था। तो चलिए आज करेंगे निमोना की पार्टी। तो निमोना की पार्टी के बाद आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, तो मिलिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में कल। कल तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।